अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? मुझे उम्मीद है आप सब लोग बहुत खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, अपनी पढ़ाई पे तवज्जो दे रहे होंगे और अब आपने अच्छे से जो है वो अपनी पढ़ाई पे तवज्जो देनी है और पेपर्स की तैयारी करनी है। ऐसे पढ़ना है कि जैसे कल ही पेपर हो। तो मैं आज आपको जो टॉपिक पढ़ाऊँगी, आज मैं आपको डेफिनेशन कराऊँगी और हमारे डेफिनेशन का सबसे पहला जो टॉपिक है वो है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन जो है अ वर्ड विच शोज रिलेशन बिटवीन टू नाउन्स और प्रोनाउन्स इज कॉल्ड अ प्रेपोजिशन। यानी एक ऐसा वर्ड है जो किसी भी दो नाउन्स को और दो प्रोनाउन के रिलेशन को, ताल्लुक को आपस में जाहिर करता है। तो हमें ये बताता है कि नाउन के दरमियान और प्रोनाउन के दरमियान आपस में क्या रिलेशन है। इसके अलावा ये पोजिशंस को भी जो है वो प्लेस को भी जो है वो डिस्क्राइब करता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है। इसके एग्जांपल्स हैं इसमें, जैसे है इन है, ऑन है, ऑफ है, टू है, बाय है, अंडर है और विद है। इसके अलावा इसके और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि फ्रंट है, बैक है, ठीक है ना, अबव है, बिलो है, बहुत सारी एग्जांपल हैं इसकी। इसमें से चंद मैंने आपको यहाँ पे राइट करके दिखा दी हैं। इसके अलावा जो हम सेंटेंस में इसको कैसे यूज़ करते हैं, द वाटर इज़ इन अ जग। अब इसमें जो है ना वो इन जो है वो प्रीपोजिशन का वर्ड है, जो इन है वो प्रीपोजिशन का जो है ना वो वर्ड है। अब ये वाटर और जग ये दो नाउन है और दो नाउन की रिलेशन को बता रहा है हमें, वाटर की प्लेस को बता रहा है कि वाटर जो है वो जग के अंदर है। इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट जो हमारे पास वर्ड है वो वर्ब है। वर्ब भी जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में से एक पार्ट है। वर्ब इसको उर्दू में जो है वो फेल कहा जाता है। अ वर्ड विच शोज एन एक्शन इज कॉल्ड अ वर्ब। जितने भी हम एक्शंस करते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, जितने भी वर्ड्स हैं हमारे पास उनको हम वर्ब में शामिल करते हैं। अब अ वर्ब इज़ अ टास्क, ये वर्ब जो है वो एक टास्क भी हो सकते हैं और अ वर्क और एक काम भी हो सकता है। हमारी जितनी भी मूवमेंट होती है, चाहे हम चलते हैं, फिरते हैं, खाते हैं या पीते हैं, हमारे पास जितनी भी जो एक्शंस होते हैं, यहाँ तक कि हम थिंकिंग भी कर रहे हैं, तो ये भी हमारे वर्क में शामिल होता है। वर्ब जो है वो वर्क को भी डिस्क्राइब करते हैं और किसी भी चीज़ के एक्शन को भी डिस्क्राइब करते हैं। अब इसकी एग्जांपल्स हैं, हमारे पास ईट है, हमारा खाना, ड्रिंक है, हमारा पीना, सोना, जाना, राइट, रीड एंड रन जो है, ये तमाम जो चीज़ें हैं वो हमारे वर्ब में यूज़ होती हैं। हम अपने लैंग्वेज में जो है वर्ब का इस्तेमाल सेंटेंस के ज़रिए से करते हैं और सेंटेंस में हम वर्ब का इस्तेमाल इस तरह से करते हैं कि ही रन्स वेरी फास्ट, वो बहुत तेज़ भागता है। तो इसमें जो रन है वो एज अ वर्ब है और सेंटेंस में वर्ब यूज़ किया गया है। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है कंजक्शंस जो होते हैं वो दो चीज़ों को आपस में जोड़ता है, ठीक है ना, ज्वाइन करता है। दो सेंटेंसेस होते हैं या फिर दो वर्ड्स जो वर्ड्स होते हैं वो उनको आपस में जो है वो जोड़ता है। अ वर्ड दैट इज़ यूज्ड टू ज्वाइन टू ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स, दो लफ्ज़ों के मजमुओं को और टू सेंटेंसेस या दो जुमलों को जो है वो आपस में जोड़ता है, इस कार्ड अ कंजक्शंस कहलाता है। अब हमारे पास इसकी एग्जांपल है वो एंड है, बट है, बिकॉज है, इफ है, वेंट है, एंड वेयर है। हम जो है वो उनको सेंटेंसेस में इस तरह से यूज़ करते हैं। ये मैं आपको बताऊंगी कि ये दो लफ्ज़ों को और दो जुमलों को किस तरह से आपस में मिलाता है, मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊँगी कि यहाँ पर है ही लाइक्स एप्पल, ही लाइक्स एप्पल, वो से पसंद करता है। अब नेक्स्ट जुमला मैं लिखूंगी ही लाइक्स मैंगो, वो आप पसंद करता है। अब ये दो जुमले हम इन दो जुमलों को कंजक्शंस के ज़रिए से ज्वाइन करेंगे, इकट्ठा करेंगे, ठीक है ना। हम लिखेंगे कि ही लाइक्स एप्पल एंड एप्पल एंड मैंगो। अब इसमें जो वर्ड एन है ये कंजक्शन है, इसने ना सिर्फ दो जुमलों को आपस में मिला दिया बल्कि दो लफ्ज़ों को भी आपस में ज्वाइन कर दिया है। तो दिस इज़ कॉल्ड द कंजक्शन, ठीक है स्टूडेंट्स। इसको अच्छे से देख लीजिएगा, जहाँ से आपको कोई मुश्किल हो तो आप फिर अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा, मुझे बताइएगा कि क्या मुश्किल आ गए आपको इसमें। तो अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें और अपनी पढ़ाई पर खूब तवज्जो दें।